Hey guys, good morning और welcome to a new vlog. आज मैंने बनाया है as usual पास्ता. आज होटल में लास्ट डे है, हम निकलने वाले हैं और इवान को ये बहुत पसंद आया, बस इसको खिलाना है मुझे, कैसे भी करके खत्म करना है पास्ता और उसके बाद हम चल पड़ेंगे भाई. अब इवान को पता चल गया है कि फूंक देने से खाना ठंडा हो जाता है, तो वो फूंक देना सीख गया है. देखो, ओह माय गॉड, लुक एट दिस मैन, सो टॉल. मैं तो यानी कभी कभी देखते रह जाती हूँ कितने लंबे लोग हैं यहाँ. कुछ लाइक आई सी सम पीपल लाइक 6'4" 6'5" और वो एकदम अलग से ही नज़र आते हैं. तो गाइस, आज चेकआउट कर रहे हैं, यानी हमने कर दिया ऑलमोस्ट. ओडिन पूरी होटल स्टाफ के साथ है चेकआउट करता हुआ और मैं लगेज लेके आई हूँ, कार में रख दूंगी और उसके बाद मैं ओडिन से मिलूंगी. हम लोग कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेंगे. तो मैं जा रही हूँ टीम होटल्स में. ओडिन ने बोला कॉफ़ी ले लूँ, उसके लिए वो आ रहा है पीछे पीछे, शायद कहीं दिखेगा, अभी तक पहुँचा नहीं है. तो बस मैं कॉफ़ी लेने जा रही हूँ, पहली बार देखती हूँ यहाँ की कॉफ़ी कैसी है. कौन सी लूँ, आई थिंक अमेरिकाना बेस्ट है. ओडिन आ गया है, मैंने एक अमेरिकाना ऑर्डर की है. देखो गाइस, बिल हुआ है 24 yuan, यानी 240 रुपए. मैंने शायद लार्ज ऑर्डर किया था, आई एम नॉट श्योर, यानी कॉफ़ी लोग कैसे लेते हैं. मैंने शायद लाइफ में 2-4 बार ही कॉफ़ी ली है, तो यहाँ पे बस मैं वेट कर रही हूँ अभी. ये देखो, ओडिन जी चले गए हैं इवान को लेके बाहर, और इवान को तो देखने का बहुत शौक है. रोड पे जो गाड़ियाँ आती जाती है ना, बस उसको देख के खुश हो जाता है. और ये देखिए आप, ये कितने सुंदर लग रहे हैं खाने की जो सामग्री है यहाँ पे. बट गेस करो, ये सब प्लास्टिक का बना हुआ है गाइज, और ये भी एक आर्ट है खुद में ही, क्योंकि आप असली खाना रखोगे तो ख़राब हो जाएगा, तो प्लास्टिक का यहाँ पे रखा जाता है ज़्यादातर. तो हम लोग हमेशा इवान को रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप से बाहर ले जाते हैं, क्योंकि ओडिन को ये अच्छा नहीं लगता कि इवान सीट्स पे चढ़ता है या शोर मचाए वगैरह, यू नो. वो बिलीव करता है कि शांति बनाए रखे जहाँ पे भी हम जाएं. गॉट द कॉफ़ी गाइस, आई वुड नेवर पे 24 yuan फॉर अ कॉफ़ी इफ इट वॉजेंट फॉर ओडिन. आई एम अ टी पर्सन एंड ह्यूज वेस्ट मैन. आप देख सकते हो कि मैं गा रही हूँ, बहुत खुश हो रही हूँ, क्योंकि होटल से घर जाने का रास्ता ना सबसे बेस्ट रास्ता होता है, क्योंकि बस अब नो मोर होटल, अब आप अपने किचन में खाना बना सकते हो. और वैसे देखो आप, रास्ता कितना सुंदर है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, यानी चाइना में ना मेजॉरिटी एरिया खाली दिखेगा आपको, भले ही सड़कें हों या सड़क के साइड का एरिया हो, बस आपको जंगल दिखेंगे या पेड़ पौधे दिखेंगे, अच्छे अच्छे घास के गलीचे दिखेंगे. तो गाइस, काफ़ी चीज़ें अभी भी बिखरी पड़ी है देखो, और इसके स्क्रूज खो गए, मिल नहीं रहे पैकिंग में. तो ये टेबल हमको लगानी थी यहाँ पे किचन में, ताकि इस पे अवन, माइक्रोवेव सब कुछ रख सके, बट ये काम रह गया, इसके वजह से सब कुछ फैला हुआ है. ये देखो, ये है अवन, ये है माइक्रोवेव. बाबू नीचे नहीं जाना, और यहाँ पे इतनी सीढ़ियाँ हैं, मुझे हमेशा डर लगा रहता है इवान कहीं चला जाए. बाबू ऊपर जाओगे, चलो अपन ऊपर चलते हैं. तो सोफ़ा हमारा लग चुका है, और आई डोंट नो, ये टेबल वाइट टेबल सोफे के साथ नहीं जा रही है, बाद में करेंगे चेंज, बट एवरीथिंग एल्स इज फाइन. दिस इज ओडिन्स ब्रदर्स सोफा, प्योर लेदर वाला, इट्स रियली नाइस. तो सोफा तो चेंज नहीं करेंगे. और ये देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, ये बालकनी बहुत ही बड़ी है, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो. ओडिन के इतने महंगे, आधे प्लांट्स तो मर चुके हैं. चलो बेडरूम तो हुआ तैयार. ओह, ये अलमारी ओडिन ने ली, इसका भी एक डोर बाकी है, और मे बी ये ओपन टाइप की है, आई डोंट नो, बट चलो एक रूम तो हुआ तैयार. तो हम कुछ ना कुछ काम में लगे हैं, और देखो इवान क्या कर रहा है अभी, इसको बालकनी में आने का बहुत इच्छा हुई, और बस
ये बस पानी ले रहा है मुंह में और उसको थू कर रहा है प्लांट्स के ऊपर। देखो पानी पानी हर जगह पे। बाबू कुछ बोलो ना, कुछ बोलो। अभी इतनी बातें कर रहा था बाहर आते ही, ऐसे बोलता है जैसे इसको पता है कि ये बहुत सही बोल रहा है, एकदम करेक्ट लैंग्वेज बोल रहा है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। खत्म हो गया बबू पानी। तो यहाँ हमने वाईफाई वाला बंदा बुलाया हुआ है, वाईफाई सेट करके जा रहा है बेसमेंट में। तो वैसे तो बेसमेंट में जगह दी हुई है वाईफाई लगाने की, लेकिन पूरे घर में यहाँ से चला जाएगा वाईफाई का कनेक्शन। तो बस मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से इंटरनेट नहीं है हमारे यहाँ। फाइनली वाईफाई लगेगा, मैं यूट्यूब का काम कर पाऊँगी। मेरा काम हमेशा डिले होता रहता है क्योंकि कुछ ना कुछ होता ही रहता है लाइफ में। कभी ट्रैवलिंग होती है, कभी घर का काम, इवान का काम, कभी नो वाईफाई नो इंटरनेट। तो अब मुझे पता चला इवान को रॉक म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखो वैसे तो घर अभी तक सेट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने मंगा लिया है एक एयर फ्रायर क्योंकि मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। मुझे इवान के लिए फ्रेंच फ्राइज घर पे बनानी थी क्योंकि उसको बहुत पसंद है, लेकिन फ्राई करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक तो तेल बहुत वेस्ट होता है और वो हेल्दी भी नहीं होता। तो मैंने इतना जल्दी एयर फ्रायर मंगा लिया और देखो आप, इसका प्राइस सिर्फ 150 युआन है। इसका मतलब है 1500 रुपये, और बहुत अच्छे क्वालिटी का है। मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया था इसको बाद में और काफ़ी अच्छा निकला भाई। एक हाथ से पूरा निकालना पड़ रहा है क्योंकि एक हाथ में मेरा कैमरा है। बाबू आज सुधा खा पीता। तो गाइस सुबह हो गई है और मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सब कुछ फैला हुआ है, देखो यहाँ आटा है, राजमा उबाला था मैंने, सब फैला हुआ है, गंदा है। और कल रात को 10 बजे ये देखो हमारा नया फर्नीचर आ गया और ये शूज़ रैक भी आई है जो मुझे बहुत पसंद आई, और बाहर एक अलमारी भी पड़ी हुई है वाइन वाली, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बहुत अच्छे वुड का फर्नीचर है और ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। इसको पता नहीं कहाँ लगाएं, यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं। यहाँ पे वॉल का कलर जो डार्क है तो शायद उसके साथ ये लाइट कलर की टेबल अच्छी लगे। जो भी है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। देखो बब्बू तुमको पसंद आई? चलो इसको तो कुछ मिल गया करने के लिए। मैंने सुबह सुबह उठते ही इवान का खाना बनाया। देखो ये दिखने में अजीब लग रहा है लेकिन ये बेसिकली आटा सब्जी और फिश का मैंने इसको क्या बोलेंगे, नॉट एग्जैक्टली लाइक ए नूडल, लेकिन उसका आटा गूंध के बेल के उबाल के मैंने उसमें सोयाबीन पेस्ट डाल दिया। तो इसमें स्पाइसेस नहीं है बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है। और मेरा दलिया यहाँ पे तैयार हो रहा है।
और यहाँ पे चावल और राजमा ओडिन के ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि उसको पसंद है राजमा और उसको पसंद है ये क्या बोलते हैं चाइनीज स्टाइल का वो खाना। ये देखो राजमा भिगो के रखा था, इतना टाइम लगता है इसको भीगने के लिए क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दी है, इतनी ठंड है अभी भी शंघाई में कि कोई भी चीज भीगती नहीं है इजिली। लाइक यहाँ पे दही वही जमाना भी बहुत मुश्किल है। तो कुछ दिन पहले उड़न का पेट खराब हो गया था बाहर का खाना खा के ऑफिस के पास में, तो मैंने ये ले लिया टिफिन उसके लिए। देखो आप क्यूट यू आर। और इवान की तो आदत है एक ही बार में जितना हो सकता है उतना ठूस लेता है खाना, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे गार्डन अच्छे साइज का है तो इवान खेल सकता है जितना मन करे, और मैं उसे किचन से भी मॉनिटर कर सकती हूँ कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे पहले मिट्टी थी, हमने लकड़ी इसलिए लगा दी ताकि इवान खेल वेल पाए यहाँ पे और उसके कपड़े गंदे ना हो जाए। देखो आप उसको भी मजा आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी लकड़ियाँ कम पड़ गई तो देखो आप खाली एरिया है, तो उसके लिए और एक्स्ट्रा लकड़ियाँ मंगाई है, वो भी हम लगवा देंगे यहाँ पे। तो गाइस हमारी जो गैस लगी हुई थी ये वाली, वो हमने निकाल दी है और इस इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर के जगह हम लगा रहे हैं नॉर्मल वाली ये वाली गैस जिसमें से आग निकलती है, क्योंकि एक तो हमको ये भा नहीं रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इलेक्ट्रिक वाला, दूसरा इतना बिजली का बिल आ रहा था हमारा इलेक्ट्रिक स्टोव के वजह से कि वो एसी से भी ज़्यादा बिजली खा रहा था। तो बस यहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, सेम साइज की मंगाई थी हमने, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने शॉर्ट वीडियोस डालती रहती हूँ जब मेरे पास यूट्यूब के लिए टाइम नहीं होता। मैं वहाँ पे फोटोज अपडेट करती हूँ, इवान के फोटोज और वीडियोस अपलोड करती हूँ। और आप सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत, लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। बाय बाय।